आप सबका स्वागत करता हूँ इस ट्यूटोरियल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी लैंग्वेज। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सी में कितने भी डेटा टाइप्स, कितने तरीके का डेटा टाइप्स होता है। इसको हमने पिछले ट्यूटोरियल में आप सबको अच्छे से बताया है कि वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, जो बेसिक वेरिएबल्स जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। उसके बाद ये तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हो जाएंगे। उसके बाद डिराइव्ड होता है जिसमें एरे फंक्शन वगैरह आता है। इसके अलावा आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिसमें स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि तीन तरीके का हमारा डेटा टाइप होता है, तीन तरीके का वैल्यूज हम लोग बेसिकली यूज करेंगे इन सी लैंग्वेज, वो है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। उन्हीं को हम लेकर के आज ये समझेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम से। आपको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि अलग अलग तरीके का जो वेरिएबल है, इंटीजर हो या फ्लोट हो, वो किस तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और किस तरीके से जो है उसमें हम लोग डेटा वैल्यूज रखेंगे, ये हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम में देख रहे होंगे, इन सब चीज़ों से, इन सब स्टेटमेंट से आप बिल्कुल अच्छे से जानकारी आपको है कि इन सब स्टेटमेंट का क्या मतलब है, CLR, CR, प्रिंटफ का क्या काम करता है, गेट CH क्या करता है। तो इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि इंटीजर टाइप का अगर कोई वेरिएबल बनाना हो तो उसको कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक्चुअली एक बर्तन जैसा होता है जिसमें हम अगर कोई वैल्यू हमें यूज करना होता है तो उसमें हम लोग रखते हैं। जैसे अगर हमें घर में अगर चाय पीना है तो हम कप का प्रयोग करते हैं। तो कप क्या है, एक बर्तन की जैसे बर्तन है और वो एक वेरिएबल जैसा काम कर रहा है और जो हमने चाय रखा वो वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ये वेरिएबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू कहीं पे स्टोर करके रखना है तो हमको सबसे पहले वो बर्तन बनाना पड़ेगा, वो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ए नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने कीवर्ड का प्रयोग किया हुआ है INT, यानी कि इंटीजर बनाने के लिए आपको INT कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनका डिफिनेशन पहले से ही सी में हो, प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। INT एक कीवर्ड है, इसका पहले से डिफिनेशन सी में है, इसको जब भी प्रयोग करना करेंगे आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ही करेंगे। तो जैसे हमने लिखा INT और यहाँ पे ए लिखा और सेमी कॉलन लिखा, तो इसका इस लाइन का ये मतलब है कि हम ए नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं। यहाँ पे ए की जगह पे कोई दूसरा नाम, BC या कोई और भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या नाम रख सकते हैं। लेकिन पहले अभी जानते हैं कि ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया है जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है तो एक वेरिएबल लिखेंगे, अगर आपको दो वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पे काम आ करके आप दूसरा भी वेरिएबल बना सकते हैं। ये हो गया हमारा वेरिएबल बनाने का तरीका। आपको तीसरा बनाना है तो काम आ करके जितना भी चाहे आप उतना वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इन वेरिएबल्स में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपको इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है यानी कि इसमें कोई वैल्यू रखना है तो सबसे पहले आपको दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा। A = हमने जैसे रख दिया 5, तो आपने A की वैल्यू क्या कर दिया, 5 रख दिया। तो यहाँ पे A का वैल्यू अब क्या है, 5 है, यानी A 5 से इनिशियलाइज हो गया। तो हमने दो लाइन का प्रयोग किया है, इन दोनों लाइन का अलग अलग मतलब है। यह इस लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है, वेरिएबल को क्या किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि इस लाइन में वेरिएबल को डिफाइन किया जा रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों लाइनों को हम एक साथ लिखें तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे कि A = 5। तो आपको यहाँ नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आप वैसा लिख देते हैं आप, इसका मतलब यहाँ पे डिक्लेरेशन और डिफिनेशन दोनों एक साथ हो जा रहा है। यहाँ पे ये हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं कि A नाम का एक हमारा वेरिएबल है और हम ये डिफाइन भी कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो ये है हमारा तरीका इंटीजर को डिफाइन करने के लिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग में आपको एक अलग दिखाई पड़ रहा होगा %D। इसके बारे में हम लोग अलग से एक स्पेशल हम ट्यूटोरियल बनाएंगे, इसमें समझाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि %D का प्रयोग एक स्पेशल कैरेक्टर्स है। इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हमको क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा।
को प्रिंट करने के लिए हम लोग परसेंट डी का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने ए की वैल्यू कितनी रखी है, 5 रखी है, अब हमको अगर उसको प्रिंट करना है तो परसेंट डी लिखेंगे डबल कोट्स में और कमा करके ए लिख देंगे, तो प्रिंटर क्या करेगा, ए की वैल्यू परसेंट डी की जगह पे प्रिंट कर देगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे गलत है, तो चूंकि गलत है इसलिए एरर दे रहा है, चलिए फिर से कर लेते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे 5 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आउटपुट आया होगा 5 दिखाई पड़ रहा है, ये ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। आप चाहें तो इसको मैसेज के साथ भी आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ पे लिख दें ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वो मैसेज के साथ उसको प्रिंट करेगा। तो अब देखिए जरा सा आउटपुट क्या आता है, अब लिख के आ रहा है ए इज इक्वल टू 5, यहाँ पे देख सकते हैं आप ए इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरीके से इंटीजर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया, अगर दो वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये तो हमने बता दिया। कामा करके आप दे सकते हैं, जैसे हमने कामा करके b इज इक्वल टू हमने लिख दिया 6। अगर दोनों को एक साथ प्रिंट कराना हो तो आप एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे b इज इक्वल टू परसेंट d लिख दिया हमने, और परसेंट डी जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट होगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। और जो बी इज इक्वल टू और ए इज इक्वल टू लिखा है वो तो मैसेज है। अब यहाँ पे हम कामा क्या कर देंगे, बी कर देंगे, तो पहले वाले परसेंट डी की जगह पे एक की वैल्यू प्रिंट होगा, दूसरे वाले परसेंट डी की जगह पे डी की वैल्यू प्रिंट होगा। ये हम लोग करके देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये हो गया हमारा इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करना। सेम इसी तरीके से अगर आपको फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानते हो कि इंटीजर और फ्लोट का क्या मतलब है, कैरेक्टर का क्या मतलब है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेम उसी तरीके से फ्लोट वेरिएबल का आप यूज इसलिए करते हैं ताकि हम फ्लोट वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे 5.8, बी इज इक्वल टू मान लीजिए जैसे अगर है 6.9, तो फ्लोट वैल्यूज वो यूज करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोट वेरिएबल भी बिल्कुल उसी तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे जैसे हम इंटीजर के लिए बताए, चाहे आपको एक वेरिएबल बनाना हो चाहे आपको दो वेरिएबल बनाना हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंटीजर के केस में बताया, बस यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे परसेंट एफ का प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर से आप प्रिंट करके देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हुआ है 5.8 और 6.9 को उसने प्रिंट किया है, लेकिन आप देख रहे हो कि 0 वो ऐड कर लिया, क्योंकि उसका फॉर्मेट है कि उतना ही वो डिजिट प्रिंट करेगा, इसलिए बाकी वो जो है 0 बढ़ा दिया है, उतना दिखा रहा है वो, तो उतना उसका फॉर्मेट बनाया गया कि इतना कम से कम डिजिट वो प्रिंट कर सकेगा। हम आपको फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में ये भी बताएंगे कैसे आप इन को कम भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही प्रिंट करेगा पॉइंट वाली वैल्यूज को। तो ये हो गया फ्लोट के बारे में। लेकिन करेक्टर का अगर हम बात करें, करेक्टर के लिए हम लोग CHAR का प्रयोग करेंगे, कैर ये भी कीवर्ड ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है करेक्टर का, क्योंकि करेक्टर हमेशा करेक्टर वैल्यू रखता है, और करेक्टर वैल्यू को रखने के लिए आप चाहें तो इसको करेक्टर वेरिएबल बनाएं, फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू करेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में रखा था, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया पी, कैपिटल पी ए में, ये एक सिंगल करेक्टर वैल्यू है। सिंगल करेक्टर वैल्यू मतलब सिंगल कोट्स में कोई भी एक वैल्यू होना चाहिए, आप ये नहीं कि दो रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल एक ही डिजिट एक ही रखना है करेक्टर। आप यहाँ पे कोई नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन सिंगल कोट्स में रखेंगे तो वो करेक्टर ही माना जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप एक लाइन में भी कर सकते हैं वो काम, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, आप वेरिएबल डिक्लेयर करें और प्लस इसको कर दें। उसी तरीके से यहाँ पे करेक्टर वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे परसेंट सी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल है इसलिए हम एक ही का कर रहे हैं, और चूंकि ए की वैल्यू पी है इसको प्रिंट करके हम देखते हैं तो देखेंगे ए इज इक्वल टू यहाँ पे पी, यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है वैल्यू को। तो इस तरीके से वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे और इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे। तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम कैसे वेरिएबल को हमने डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल्स को कैसे बनाया और कैसे उसको प्रिंट किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। आगे आने वाले जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आप ये जरूर जान लें कि कितने तरीके का डेटा टाइप्स होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, तब आपको ये ट्यूटोरियल ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो
ये चीज़ के लिए है, और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे और भी चीज़ें बताएंगे। आप फिलहाल के लिए धन्यवाद।